सो गाइज दिस इज कमिल एंड यूर वॉचिंग कैप प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है कैसे आप कैपकार्ट के अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। फुल ट्यूटोरियल इस वीडियो पर दिखाए है, वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधा चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो ये रहा हमारा कैपकार्ट वीडियो एडिटिंग ऐप। तो सबसे पहले हमें इसे ओपन करना है। तो इसे ओपन करने के बाद सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अपना वीडियो ऐड कर लेंगे जिसको आप एडिट करना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ से मैं अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये मैंने वीडियो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये ऐड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका वीडियो आ जाएगा कैपकार्ट वीडियो एडिटिंग ऐप के अंदर। यहाँ से आप अपना वीडियो को प्ले कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपका वीडियो प्ले होगा। तो सबसे पहले आपको राइट पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक वाटरमार्क मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और इस वाटरमार्क को आपको डिलीट कर लेना है डिलीट के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मिलता है एडिट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्प्लिट, स्पीड, वॉल्यूम, एनिमेशन वगैरह मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ से आप अपनी वीडियो पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है फेशियल इफेक्ट। सो यहाँ पर जितने भी इफेक्ट मिलते हैं इन सभी इफेक्ट आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो, कुछ इस तरीके के इफेक्ट होगा। सो आप देख सकते हो अगर आप कुछ इस तरीके से अपने फेस पर इस तरीके का कार्टून लगाना चाहते हो या बनाना चाहते हो इस तरीके की वीडियो, तो आप काफ़ी इजीली इस तरीके से जो है वीडियो क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इमोशन वगैरह भी मिल जाता है, तो आप चाहो तो इमोशन वगैरह भी डाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप जो है फेशियल इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो। तो इसको डिलीट कर लेते, सो यहाँ पर देख लेते। सो ये कुछ इस तरीके से होता है, तो डिलीट कर लेते, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मिलता है वीडियो इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा इफेक्ट मिलेगा। सबसे पहले मिलता है ट्रेंडिंग। सो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग इफेक्ट कुछ इस तरीके मिलता है। सो आप अपने वीडियो पर इस तरीके इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर हमें काफ़ी सारा इफेक्ट मिल जाता है, तो आप देख सकते हो। सो इन इफेक्ट को कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो। सो आप देख सकते हो किस तरीके से हमारी वीडियो पर कलर इफेक्ट अप्लाई हुआ है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ और जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करोगे उसका टाइमलाइन आप अपनी वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ले जा सकते हो कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से आप अपनी पूरी वीडियो पर वो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से आपको अपना वीडियो प्ले करना है और प्ले करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके क्लॉथ पर ये इफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके इस इफेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो और यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हो, लाइक इसका स्पीड कितना होना चाहिए और इसका जो इंटेंसिटी है, तो इसका यानी कि इसका जो ओपासिटी वो कितना होना चाहिए, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और ये सभी इफेक्ट के साथ कर सकते हो जो भी इफेक्ट आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करेंगे अपनी वीडियो पर, उन सब इफेक्ट के साथ सेम आप सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ इस तरीके इफेक्ट मिलता है। देन अगर आप राइट पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और इफेक्ट मिलता है। सो कुछ इस तरीके इफेक्ट मिलता है, आप देख सकते हो। सो उसके बाद मिलता है बेसिक इफेक्ट, देन मिलता है मूड, यहाँ पर कुछ ऐसा इफेक्ट मिलता है। उसके बाद वेराइटी इफेक्ट मिलता है, लाइक कुछ इस तरीके, देन लाभ। सो यहाँ पर आपको मिलेगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पार्टी मिलता है। सो पार्टी पर आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। सो आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो, ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट मिलता है। सो पार्टी से आप फ्लैश इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको दिखाया था फ्लैश इफेक्ट कहाँ पर है। सो यहाँ पर अगर हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा फ्लैश इफेक्ट। तो ये रहा ब्लैक फ्लैश, आप देख सकते हो। सो कुछ इस तरीके से फ्लैश इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप ब्लर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। सो मैं आपको एक चीज़ दिखाया हूँ, सो कुछ इस टाइप का जो है ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर टेक्सचर वगैरह भी मिलता है। सो ये रेट्रो इफेक्ट आपके पास मिल जाता है। और यहाँ पर आप अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपकी कैपकार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसका भी ऊपर इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो सारा वीडियो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सब वीडियो को जो है देख सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पर कॉमिक मिलता है, यहाँ से आप कुछ इस टाइप का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर। और ये मिलता है स्प्लिट, आप अपनी वीडियो को स्प्लिट स्क्रीन में एडिटिंग कर सकते हो। देन नेचर मिलता है। सो यहाँ पर फ्रेम पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। सो ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इफेक्ट मिलता है। सो आप चाहो तो इन्हें भी अप्लाई कर सकते हो।
तो ये तो होगा इफेक्ट, ठीक है। सो इफेक्ट आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इफेक्ट यूज़ करके आपको दिखा दिया, आप इफेक्ट डिलीट कर लेते और अभी हम सीधा आ जाते यहाँ पर एनिमेशन पर। सो अगर आप अपनी वीडियो पर एनिमेशन डालना चाहते हो तो इसके लिए जहाँ पर भी एनिमेशन डालना चाहते हो वहाँ पर आपको स्प्लिट कर लेना है, स्प्लिट के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से। सो ये मैंने अपना वीडियो को स्प्लिट किया, आप देख सकते हो। अभी आप इनमें से कोई भी क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम वेट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलता है, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन और कॉम्बो। सो बेसिकली कॉम्बो का नाम है ओवरऑल एनिमेशन। तो हमें कॉम्बो के ऊपर क्लिक करना है और कॉम्बो के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर। सो काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है, इनमें से जो सबसे बेस्ट इफेक्ट है ये मिलता है पेंडुलम वन। सो इसको मैं अप्लाई किया, उसके बाद आ जाते इस पर, सो सेकंड क्लिप पर, और यहाँ से पेंडुलम टू को अप्लाई करते हैं। सो ये मैंने एक डेमो दिखा दिया कि कैसे आप इन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। अभी प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप इन इफेक्ट को जो यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है फिल्टर। सो फिल्टर के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वीडियो पर फिल्टर डाल सकते हो, यानी कि कलर इफेक्ट डाल सकते हो और अपनी वीडियो पर जो है अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। सो काफ़ी सारा फिल्टर मिलता है, कोई भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। सो आई थिंक ये वाला जो इफेक्ट, ये काफ़ी सही इफेक्ट लग रहा है मुझे ये वाला। सो ये वाला बेसिकली सिनेमेटिक इफेक्ट है और इसका आप ओपासिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा फुल कर लेता हूँ, उसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अभी आप इस इफेक्ट को वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद बैक आ जाना है और यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो अपना वीडियो को। सो यहाँ से ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब कुछ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और इसका भी टाइमलाइन आप बाद में पूरी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा टेक्स्ट और ये मिलता है ऑडियो। सो यहाँ पर आप ऑडियो अप्लाई कर सकते हो, यानी कि म्यूजिक ऐड कर सकते हो। तो ऑडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप साउंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है अपनी सॉन्ग को ऐड कर लेंगे, या आप सॉन्ग सर्च भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा म्यूजिक, तो इसको ऐड कर लेते। सो म्यूजिक हमारा आ चुका है, आप देख सकते हो। म्यूजिक को क्या करते हैं, यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिलीट कर लेते। और म्यूजिक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बीट ऐड कर सकते हो। सो मैच कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके मैन्युअली बीट इस तरीके से ऐड कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके। और अगर आपको बीट के बारे में नहीं पता है तो आप ऑटो जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा, आपकी जो म्यूजिक है उसके अंदर ऑटोमेटिक बीट ऐड कर लेगा जहाँ पर भी बीट आ रहा है, तो ये ऑटो बीट आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है। उसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सो यहाँ पर बीट आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको मिलता है स्लो मोशन का ऑप्शन। तो स्लो मोशन का ऑप्शन पाने के लिए आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और स्पीड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे कर्व के ऊपर और उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा आगे लेके जाएंगे और ये मिलता है ऐड बीट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको आप यहाँ पर लेके आएंगे, ऐड बीट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको आप यहाँ पर लेके आएंगे, ऐड बीट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम इसी तरीके आप इस तरीके से डॉट ऐड कर लेंगे। अभी आपको क्या करना है, जहाँ पर भी फास्ट फॉरवर्ड करना है वहाँ पर आपको इस डॉट को ऊपर लेके जाना है, जहाँ पर स्लो करना है आप इसे नीचे लेके आ जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से। सो अगर आप फास्ट एंड स्लो मोशन वीडियो बनाना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये प्रोसेस करना है। सो बेसिकली अगर आप अपनी वीडियो को फास्ट मोशन और स्लो मोशन करना चाहते हो सो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको स्लो मोशन सिर्फ करना है, फास्ट मोशन नहीं करना है, तो आप जितने भी डॉट ऊपर आप लेके गए हो उन सबको आपको नीचे लेके आ जाना है, तो आपका वीडियो स्लो मोशन हो जाएगा। उसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सो ये आपकी वीडियो पर स्लो मोशन आ चुका है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये बिल्कुल छोटा सा क्लिप है, मैं जस्ट आपको डेमो दिखाई है। सो आप चाहो तो अपने पूरा क्लिप पर भी इस तरीके से कर सकते हो, सो कुछ इस तरीके से। सो अभी देखना ये किस तरीके से स्लो होगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल स्लो हो चुका है और यहाँ पर आप फास्ट फॉरवर्ड भी हो जाएगा, अभी देखना आप। सो प्ले करके आपको दिखाया था, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो ये फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। सो ये मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो स्लो मोशन, फास्ट मोशन। और यहाँ से हम आ जाते हैं बैक।
या आपको यहाँ पर कुछ प्रीसेट मिल जाता है, आप चाहो तो इन्हें भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप म्यूज़िक का वॉल्यूम वगैरह कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे और ये मिलता है वॉल्यूम, आप इसका अमाउंट यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पर और भी एडिटिंग के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है, लाइक आप अपनी वीडियो से कोई भी साउंड के एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर स्टिकर टेक्स्ट वगैरह मिलता है, अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कैनवास, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसके बैकग्राउंड में कोई कैनवास ऐड कर सकते हो या कोई बैकग्राउंड। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर ओवरले के ऊपर क्लिक करके आप इस वीडियो के ऊपर कोई पिक्चर या कोई वीडियो ऐड कर सकते हो। सो मैं आपको दिखाया तो जैसे कि मैंने इसको ऐड कर लिया, सो आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप जो इस वीडियो के ऊपर इसको ऐड कर सकते हो और इसे सेट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप इस पर भी कोई एनिमेशन वगैरह डाल सकते हो। सो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा एनिमेशन मिल जाएगा, देख सकते हो। सो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो ये जो हमने वीडियो ऐड किया, तो इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो, रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके। सो कुछ इस तरीके से तो ये रिमूव होगा, अभी देखना कि किस तरीके से। सो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस ऐप के लिए, तो फिर भी आप यहाँ पर देखना कि किस तरीके से इसका बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता है, यानी कि उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता है। सो ये आप देख सकते हो, मैंने कहा ना कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, फिर भी ये काफ़ी हद तक कर चुका है, तो इसको अंडू कर लेते। और उसके बाद आपको यहाँ पर और भी काफ़ी ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो जो मेन फीचर इस ऐप का मैंने आपको दिखा दिया, अभी आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो का रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो, 1080p, इसके अलावा 720p और 480p। तो 1080p को चूज़ करते और फ्रेम रेट यहाँ से हम चूज़ करेंगे 60fps। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ये जो आइकन मिलता है ये इस कॉर्नर पे, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।